मैं आया ही काम करने के लिए हूँ, अदरवाइज मेरी अभी नौकरी 15 साल की और बची हुई है और बड़ी कंफर्टेबल जॉब है, बड़ी सेटल्ड जॉब है। अगर वो छोड़ के आया हूँ तो मैं लोगों की सेवा भाव से आया हूँ। माननीय मनोहर लाल जी है, इनकी नीतियों पे और इनकी नियत पे किसी को भी कोई शक नहीं है। फिर एक बार मनोहर सरकार, अब की बार 75 पार, तो 75 पार तो है ही है, मुझे लगता है कि 85 पार ना हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की जो जोड़ी है, उन्होंने जो अभी रिसेंटली करके दिखाया है, जो धारा 370 और धारा 35 से जो कश्मीर से हटाई है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब जाके कहीं पूर्ण रूप से आज़ादी मिली है। पिछले काफ़ी दिन से हम आदमपुर हलके में सर्वे कर रहे थे, तो वहाँ पे आपका बार बार जिक्र आ रहा था और जिक्र इस बात को लेके भी आ रहा था कि डॉक्टर संजय जौहर अपने पेशे से हटके भी लोगों की मदद करते हैं, PGI में जाके लोगों का इलाज कराते हैं और अपने पेशेंट्स का जब वो कभी आदमपुर आते हैं तो उनको संभालने आ जाते हैं। जो सारे हलके में विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद जो सामने आई है कि शायद कुलदीप जी वो विधायक के लेवल पे आके काम नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय जौहर। डॉक्टर संजय जौहर PGI रोहतक में प्रोफेसर हैं एनेस्थीसिया के, और काफ़ी सालों से वहाँ तो सेवाएं दे ही रहे हैं, और आदमपुर हलके के लोगों के लिए भी ये नया नाम नहीं है, उनके लिए भी ये दिन रात आगे रहते हैं, काम करते हैं और BJP के वरिष्ठ नेता हैं। और इस वक्त अगर BJP की फेहरिस्त में किसी का नाम सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है तो डॉक्टर संजय जौहर का ही है। डॉक्टर संजय जौहर काफ़ी दिन से आदमपुर हलके के गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं और लोग भी इनको जान रहे हैं। और आज हम आपको इनसे, इनकी शख्सियत से एक बार फिर आपसे रूबरू करवाएंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक मिनट पोस्ट में। धन्यवाद सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए। नहीं, डेफिनेटली, और आपकी जो छवि थी, आपका जो एक मिलनसार व्यक्तित्व था, ये हमें खींच लाया। और जो जितना हमने आपको जानने का प्रयास किया, एक्चुअली पिछले काफ़ी दिन से हम आदमपुर हलके में सर्वे कर रहे थे, तो वहाँ पे आपका बार बार जिक्र आ रहा था और जिक्र इस बात को लेके भी आ रहा था कि डॉक्टर संजय जौहर अपने पेशे से हटके भी लोगों की मदद करते हैं, PGI में जाके लोगों का इलाज कराते हैं और अपने पेशेंट्स का जब वो कभी आदमपुर आते हैं तो उनको संभालने आ जाते हैं। लोग बड़े हैरान थे कि भाई एक डॉक्टर जो है PGI में जो है इतने बड़े पद पे काम करता है, वो पेशेंट्स को याद कैसे रखता है, उनके पास कैसे चले जाते हैं। आप जब भी हलके में आते हैं आपको पता लगता है कि ठीक है, सीसवाल का एक मेरा पेशेंट था, चलिए उसको मैं देख के आता हूँ। तो ये जो आपकी जो चीज़ें हैं, ये जो आपका मिलनसारिता का एक जो ट्रेंड है, ये लोगों को बड़ा रास आ रहा था। तो हमारा भी इच्छा थी कि भाई ठीक है, आपसे मुलाकात की जाए, आपके बारे में और थोड़ा सा जाना जाए, लोग भी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर होने के नाते सेवा तो दे ही रहे थे, तो ये अचानक राजनीति में आने का जो है मन कहाँ से बना। हालांकि मैं आपको एक पहले बता दूं कि जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं मनीराम कुदारा, इनके नाना जी थे और इनके दादाजी सोहनलाल जौहर, वो भी एक बड़ी शख्सियत थे और जाट समाज में खास करके उनका बड़ा वर्चस्व रहा है, बड़ा स्नेह रहा है, और जो जाट संस्थाएँ हैं हिसार की उनमें उनका काफ़ी योगदान रहा है। इस नाते से ये पब्लिक से बड़े जुड़े रहे हैं, समाज से इनका नाता जो है बहुत पुराना रहा है। और अब डॉक्टर संजय जौहर जो एक डॉक्टरी पेशे के नाते जो लोगों की, मरीजों की हेल्प करते थे, उससे इतर होकर पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आदमपुर में अगर पार्टी ने चाहा तो ये BJP के कंटेस्टेंट हो सकते हैं आदमपुर विधानसभा हलके से। तो मैं फिर से उसी बात पे आता हूँ, तो ये आप डॉक्टरी का जो आपका पेशा था उससे इतर होकर राजनीति में आने का मन कैसे किया, या लोगों की अपील थी, लोग चाहते थे, परिवार के लोग चाहते थे, किस तरह का ये, क्या ऐसे ट्रेंड कैसे आया या चेंज कैसे आया, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे जैसा आपने बताया, चौधरी मनीराम जी के द्वारा जो हमारे नाना जी थे जी, वो उनका एक बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वो मेरे ख्याल से आज़ाद भारत के बाद से सबसे पुराने नेताओं में से थे। सबसे पहले उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 1951 में, फिर 56 में भी वो MLA बने, फिर 65 या 66 में वो MP भी बने, फिर 96 में वो मंत्री भी बने। तो बहुत सारे, उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा था, तो तकरीबन हरियाणा में सारे उनको एक बड़ा नेता मानते थे, बड़े कद्दावर नेता, कोई वाकिफ है। हाँ, तो उनका एक बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा। तो परिवार में उनके बाद से
कोई आ नहीं पाया था, तो उनके बहुत सारे पुराने साथी थे, उनके बहुत सारे वर्कर्स थे जो बड़ा अपने आप को बड़ा अलग सा महसूस कर रहे थे, तो उनकी अपील पे मैं उनके बार बार उन्होंने अपील की, उन्होंने पिछली बार भी की थी, हालांकि मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे को इधर राजनीतिक की तरफ लेके आएगी, पर उनकी अपील को देखते हुए मैं इधर को आया था। सेवा तो हम चिकित्सा इसमें कर ही रहे थे, लेकिन वो दायरा बड़ा सीमित सा था, तो यूँ लगता था कई बार कि अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ा के कुछ फील्ड में जाके अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मुझे ध्यान है तो, 2014 में भी आपका नाम आया था, और उसके बाद से आप 5 साल से हल्के में घूम रहे हैं, उस वक्त शायद कोई वजह रही होंगी पॉलिटिकली जो भी रही है, उसमें आपको टिकट नहीं मिला था। देखो वो तो पार्टी का वो होता है, एक मापदंड होता है वो किस क्या देखती हैं, हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने कुछ और उनके दिमाग में था, या पार्टी ने जो भी अपने सर्वे के हिसाब से जैसे भी जो भी उचित उनको लगा वो कैंडिडेट उन्होंने उतारा था, हालांकि मेरी उम्मीदवारी थी पिछली बार भी, पर पार्टी के जो वो था उसको हमने सिर माथे रखा। जहाँ तक मैं समझता हूँ पार्टी भी इस तरह के लोगों की तलाश करती है कि जो हाईली क्वालिफाइड हो, डिजर्विंग हो, जो एक तरह से जो है एक अच्छी एजुकेशन से निकल के आते हैं, सेवा भाव जिनमें होता है और कोई दाग नहीं होता, एक चेहरा बड़ा होता है, ये सब खूबियों को देखते हुए मुझे लगता है पार्टी कहीं ना कहीं आपको कंसिडर कर सकती है इस बार। तो देख सवाल मेरा ये था कि अगर पार्टी आपको कंसिडर करती है, आपको टिकट देती है आदमपुर से, तो आदमपुर के लोगों के लिए आपके दिमाग में विज़न किस तरह का है, हम जानना चाहेंगे। देखो मैं लगातार हर गांव में गया हूँ, हर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, और जो समस्याएं जो सामने आई हैं वो बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई जो जिसका निदान नहीं हो सकता हो। तो जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, आदमपुर प्रॉपर में जैसे पानी का ठहराव हो जाता है लोगों को, वो भी काफ़ी बड़ी समस्या लगती है, क्योंकि बारिश के दिनों में पानी इतना भर जाता है कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी ढाणियों में जो है बिजली डिम जाती है, ढाणियों के रास्ते कच्चे हैं, बारिशों में उन रास्तों पे से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं भी एक दिन ढाणियों में गया था, तो रात का टाइम था, तो बड़ी गाड़ियां थी फिर भी निकलना बड़ा मुश्किल था। तब यह दिमाग में आता है कि रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ जाए और किसी को हॉस्पिटल तक ले जाना हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो उसमें फिर वो जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत जल्दी पहुंचना होता है, तो वो समस्या हो जाती है। और वैसे भी माननीय मनोहर लाल जी ने तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि सारी ढाणियों के रास्ते पक्के होंगे, बहुत सारे रास्ते तो उन्होंने काफ़ी पक्के किए हैं, पंचायतों में बहुत पैसा आया है, और अभी बहुत काम बाकी है, वो सब समस्याएं। चूँकि हम पिछले काफ़ी दिन से आदमपुर का सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जानने की जिज्ञासा हमारी रहती है कि वो किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो फीडबैक जो वहाँ से आ रहा है वो ये आ रहा था कि जिस वक्त भजनलाल होते थे उस वक्त तो कुछ काम हुए थे वहाँ पर, काफ़ी काम हुए थे, लेकिन उसके बाद में नहीं हुए, और इस वक्त बीजेपी की सरकार है और उम्मीद भी लोग ये कर रहे हैं कि आने वाली सरकार है वो बीजेपी की होगी, लिहाजा लोगों का ध्यान भी इस ओर है कि भी क्यों ना सरकार में शामिल हों, हिस्सेदारी उनकी रहे, तो इस बार लोगों को बड़ी उम्मीद है कि आदमपुर में कोई भी नेतृत्व आए तो बीजेपी से अगर आता है तो उनसे बड़ी उम्मीद रहेंगे कि कोई वहाँ का कायापलट कोई करने वाला कोई आ सके। देखिए चौधरी भजन लाल जी काफ़ी कद्दावर नेता थे, वो 2-3 बार तक तीन बार मुख्यमंत्री बने थे, लंबा कार्यकाल रहा है उनका, 14 साल से ज़्यादा का रहा है, तो उसमें उन्होंने आदमपुर को उठाने में तो काफ़ी उनका योगदान रहा है, इसलिए लोगों ने उनको भरपूर सहयोग दिया। उनके जाने के बाद भी उन्होंने तकरीबन 22-23 साल तक आंख बंद करके विश्वास जताया परिवार पे, लेकिन जो सारे हलके में विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद जो सामने आई है कि शायद कुलदीप जी वो विधायक के लेवल पे आके काम नहीं कर पा रहे हैं,
उनका लोगों से दूरियां बढ़ रही है और लोग उन तक पहुंच नहीं पाते, वो लोगों तक आ नहीं पाते। तो ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो विधायक के लेवल पे आके अगर वो करें तो वो सारी समस्याएं दूर हो सकती है, लेकिन वो शायद मुझे लगता है कि वो ऊपर के लेवल पे ही हैं, वो विधायक के लेवल पे आ नहीं पा रहे हैं। और जो लोगों से सुनने में आ रहा है कि भाई वो जहाँ पे भी कोई ऐसी समस्या होती है तो यूँ सुनने में आता है कि भाई जवाब ये आता है कि हमारी तो सरकार नहीं है, लेकिन सरकार नहीं होना, वो सरकार तो आगे भी 5-10 साल आती नहीं दिख रही है। का आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं, हमने भी लोगों से काफ़ी बातचीत की है। एक्चुअली वो फोकस नहीं कर पाए आदमपुर पे, वो मल्टी चीज़ों पे रहे, वो एज ए बिजनेसमैन भी उन्होंने काम किया, लोगों के जो दिमाग में उनकी छवि है वो एक नेता की कम बिजनेसमैन की ज़्यादा है। दूसरा, अगर वो इलेक्ट भी हुए यहाँ से, लोगों ने प्यार दिया, खूब वोट भी दिए, जिताया भी, लेकिन विधानसभा में उनकी पूरी हाजिरियाँ नहीं रही, तो फोकस्ड नहीं रहे वो लोग, अभी समझ गए हैं उस चीज़ का। हाँ। ही ये नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में बहुए को लोगों ने हरा दिया था, तो वो सीन थोड़ा इस तरह का रहेगा। लेकिन अब लोग वहाँ के, ये लोग चाहते हैं कि भी जो भी विधायक यहाँ से बनता है तो वो कम से कम उनके बीच में रहे, उनके बीच में रह के उनको समझे, उनको जाने, उनके लिए काम करे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अभी क्या है कि लोगों को यूँ नहीं लग रहा कि कोई उनके बीच में मुख्यमंत्री बन के आए, उनको लग रहा है कि भाई कोई उनका नुमाइंदा आए जो उनके जो रोज़मर्रा के काम है, जो सामूहिक काम है, उनको लेके ऊपर जाए और कुछ सहायता राशि या जो भी उनके सहयोग करे। मैं उनको आश्वासन भी दे रहा हूँ और पूरा ये है कि भाई मैं विधानसभा क्षेत्र में ये जो सामूहिक काम है उनको पूरा करने का करूँगा और हर लेवल पे लोगों के साथ मिलके विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे जो रुके हुए हैं, जो एक नुमाइंदगी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं एज ए विधायक बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि और मैं आया ही काम करने के लिए हूँ, अदरवाइज़ मेरी अभी नौकरी 15 साल की और बची हुई है और बड़ी कंफर्टेबल जॉब है, बड़ी सेटल्ड जॉब है। अगर वो छोड़ के आया हूँ तो मैं लोगों की सेवा भाव से आया हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अपने एरिया को विकसित होते देखना चाहता हूँ। कई बार लोग ये समझते हैं कि भी डॉक्टर हैं, एक बड़े डॉक्टर हैं, पीजीआई के डॉक्टर हैं, वो करते होंगे क्या, वो लोगों से बात करते होंगे, उनसे बात करें कि ना करें। लेकिन जब आपके बारे में जो लोगों की टेंडेंसी है जो अभी निकल के आई हुई आई है, कहते यार ये तो इतना मिलनसार तो आदमी हमने कभी देखा ही नहीं। आपका प्रोफेशन, आपकी अगर कोई नहीं जानता है कि ये डॉक्टर हैं तो वो आपकी कार्यशैली से, आपके मिलनसार व्यक्तित्व से ये जान ही नहीं पाता है कि ये हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे और पीजीआई के होंगे। तो ये चीज़ें आप में कब से हैं, ये अभी आपने डाला है या हमेशा, मतलब बचपन से रही है ऐसी? नहीं, ये मेरे में ही नहीं है सिर्फ। लोगों के थोड़ी सी गलत फहमी है कि ये बड़े अफसर हैं। मैंने उनको कल भी यही बात आई थी तो मैंने उनका कि नहीं, जो आप जान चुके हैं, जो जानते हैं उनके बाद उनको तो कंसेप्ट क्लियर है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो मैंने उनको क्लियर करने की करी थी। वो कह रहे थे कि आप बड़े अफसर हो, कल को हमसे बात करने, हमसे जुड़ने में कहीं वैसे तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मैं अफसर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता, उसका 1-to-1 रिलेशन होता है अपने पेशेंट के साथ, वो लोगों के साथ जुड़ के होता है। अगर वो लोगों का के लोग अगर उनसे बिल्कुल मिल के और घुल मिल के बात करेंगे, डॉक्टर उनके साथ मिल के अच्छे से बात करेगा तो दवाइयों आदि रह जाती है, एक व्यवहार से ही लोग आपकी कई मिसाल इलाज हो जाता है। समझिए मैं, लोग तो आपकी कई मिसाल भी देते हैं। हमें डोबी गांव में कई लोग मिले, एक राजेश गिल करके मुझे याद आ रहा है, वो मिले, वो आपसे इतने इंप्रेस थे, उन्होंने कहा कि मेरे को पेशेंट, मेरे को दाखिल करवाया डॉक्टर साहब ने और मेरा बार बार हाल इतनी बार जानना कि जितना मेरी वाइफ ने भी नहीं जाना कि आपका क्या हुआ, वो मैंने पेशेंट थे, वो मैंने सुना था। तो ये चीज़ें अपील तो करती हैं कहीं? नहीं नहीं, वो मैंने सुना था, ये एक यूं कह लो कि ये मेरे व्यक्तित्व में ही है। मैं किसी के लिए अगर कहता हूँ तो मैं यूं सोचता हूँ कि वो काम सिरे चढ़ा कि नहीं चढ़ा। मैं एक दिन में एक मरीज के लिए, अपार्ट फ्रॉम राजनीति, उनके लिए मैं पूरा वहाँ तक पहुँचता हूँ कि उनका इलाज हुआ, वो दाखिल हुए और किसी ने देखा, मतलब उनको सेटिस्फाई करने का वो रहता है। और ये आज का नहीं है, राजनीति में तो अब आने का सोचा है। मेरे को अभी इस एरिया में जहाँ पे भी आसपास के गांव के, मेरे को गांव के नाम से बोलते थे कि भाई इस गांव से हम आए हुए हैं, नाम भी नहीं बताते थे, तो इस नाम, इस गांव से आए हुए हैं, तो उनको मैं अटेंड करता था। और तब तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा इसलिए मैं अटेंड कर रहा हूँ, या
एक अभी दुर्जनपुर गांव में मिले थे कोई नाम मैं भूल रहा हूँ, भाल सिंह जी, तो उनको जब मैं उनके मिलने गया था वो देख के एक बार तो हक्के बक्के से रह गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई 30 साल पहले जी आप मेरे भाई की बॉडी के साथ आए थे पोस्टमार्टम करवा के, तो उनकी बॉडी लेके आया था। मुझे पता ही, मेरे को ध्यान ही नहीं था 30 साल पहले जब मैं MBBS स्टूडेंट होता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जिनका मैंने कभी नाम नहीं पूछा था, लेकिन अब बोले डॉक्टर साहब आपने, आज भी मैं राजनीति के क्षेत्र में अपने हल्के में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे को कम से कम रोज के 7-8-10 पेशेंट तो ऐसे फ़ोन करते हैं जिनको मैं अभी भी अटेंड करवाता हूँ। बाल सेवन में भी हमें कई लोगों ने बताया, कहते डॉक्टर साहब आए हुए थे, वो बोले भी बाद में काम चीज़ें सारी होंगी, राजनीति की बातें बाद में होंगी, मैं उस पेशेंट से मिलना चाहता हूँ जिसका वो इलाज चल रहा था, पहले वो उसको देख के आता हूँ। तो वो ये कुछ एक जो नए पेशेंट्स हैं वो जो जिनका रिसेंटली कुछ हुआ है तो वो मेरे को एकदम से याद आ जाता है। जनता को भी ऐसा ही नुमाइंदा चाहिए जो इनकी इस तरह से केयर करें। अगर दूसरी बात जो मुझे लगता है कि सरकार भी इस बात पर फोकस रहेगी कि कुलदीप बिश्नोई को अगर स्विच कर सकते हैं किसी चीज़ से, तो वो डॉक्टर संजय जौहर इसलिए हैं कि सरकार भी ये चाहती है, BJP चाहती है कि कम से कम प्रदेश में एक सीट, एक टिकट बिश्नोई को दी जाए, ताकि बिश्नोई जो बेल्ट है या उनका जो कैडर है पूरे हरियाणा में है उसका फ़ायदा भी सरकार को राजनीतिक तौर पे मिल सके। और आदमपुर में ये चीज़ें पूरी होती हैं। डॉक्टर संजय जौहर एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ बिश्नोई समाज से आते हैं बल्कि हर कास्ट में, हर मज़हब में इनका एक पकड़ है, इनकी अपनी छवि है, लोग पसंद करते हैं। तो ये BJP के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और कम से कम जो बिश्नोई बेल्ट है जहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं भजनलाल का जिनका जिक्र आया था, तो उस समाज को भी ये ना लगे कि हमारे समाज को BJP ने नेगलेक्ट कर दिया है। तो ये एक चॉइस हो सकती है। तो आपके ऊपर ना पार्टी भी ये फोकस इस तरह का कर रही है कि भी क्यों ना आपको कंसिडर किया जाए और यहाँ से उतारा जाए, तो लोग भी आपको हाथों हाथ ले रहे हैं। तो मान लीजिए आपको टिकट दे देती है पार्टी, आप जीत भी जाते हैं, तो क्या इसकी गारंटी है आप उनके बीच में रहेंगे या फिर रोहतक PGI वापस चले जाएंगे? नहीं, पहली बात तो मुझे रोहतक से नो ऑब्जेक्शन इलेक्शन लड़ने के लिए मिला है, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं जीतता हूँ, मुझे टिकट मिलती है और मैं जीतता हूँ, तो मैं रोहतक तो वापस जा नहीं रहा, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं काम करने के लिए आया हूँ, लोगों को मैं आश्वासन भी दे रहा हूँ, झूठे आश्वासन मैं बिल्कुल नहीं देता, ना दे रहा हूँ मैं उनको, और काम करके दिखाऊंगा। अभी तक उन्होंने मुझे आजमाया नहीं है, लेकिन मैं, मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरा मुझे मौका मिला तो उनके विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरूंगा। और मणिराम गुदारा जी का नाम आपके साथ जुड़ा है, सोहनलाल जौहर आपके दादाजी थे, उनका नाम बड़ा नाम है, वो आपसे जुड़ा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो बीइंग बिश्नोई होते हुए भी जाट समाज में उनका बड़ा वर्चस्व रहा है, बड़ा उनका वर्धस्त भी रहा है, उन्होंने काम भी किए हैं, और भी कास्टें हैं जो उनको अच्छे से जानती हैं और आपका बड़ा रिगार्ड करती हैं उन नामों से, तो ये चीज़ें कैसे क्या मेंटेन हो पाती हैं? देखिए, इवन हमारे बुज़ुर्गों ने भी पहले कभी ये कास्ट सिस्टम में कभी बिलीव नहीं किया था, और कुछ सालों पहले तक तो ये सब होता भी नहीं था कि जाट बिश्नोई का ऐसा कुछ नहीं होता था। और ये एक सामाजिक संस्थाएं थी, जब दादाजी होते थे तो हिसार भी बड़ा, हिसार का दायरा भी बहुत कम होता था, तो वो सामाजिक गतिविधियों में वो भाग लेते रहते थे, इस वजह से उनको ये जैसे शिक्षण संस्थान थे, और इवन बिश्नोई मंदिर को भी जब उसकी स्थापना हुई थी उसमें भी दादाजी का बहुत बड़ा योगदान था। मैंने ये भी सुना था, कुछ लोगों ने मुझे हल्के में, आपके आदमपुर हल्के में लोगों ने ये भी बताया कि जो आपके दादाजी थे सोहनलाल जौहर, वो दानी बहुत थे, लोग उनके पास कई बार जाते थे मदद के लिए, कोई शिक्षण संस्थान है या कोई और चीज़ है, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ये कहते थे भी ठीक है आपने जितना भी चंदा दूसरे लोगों से किया है कलेक्ट, वो सारा जितना हुआ है उतना मेरे से और ले लीजिए। तो ये मिसाल एक कायम हो रही है, लोग जो है ना इसकी मिसाल भी देते हैं, तो उनका उनका जो नेचर था वो सीधा सीधा छवि जो है आप में भी दिखाई देती है। तो लोगों की उम्मीदें आपसे कुछ ज़्यादा हो रही हैं, होती जा रही हैं, तो इसको आप मेंटेन कर पाएंगे? निभा बिल्कुल पाएंगे? बिल्कुल, मैं देखो अपने परिवार की छवि को कहीं पे भी दाग लगने नहीं दूंगा, और जो उम्मीदें हैं लोगों की उन पे बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और हर तरह से उनका साथ रहेगा, उनका साथ दूंगा। क्योंकि देखो 15 साल की अगर नौकरी मैं छोड़ के आ रहा हूँ तो यूँ तो है नहीं कि भाई मैं 5 साल के लिए ही आ रहा हूँ,
मैं लंबा अपने एरिया में लंबा समय देने के लिए आ रहा हूँ, लंबे समय तक सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, वो चाहे मैं किसी भी फॉर्म में दूँ। पर यूँ नहीं है कि भाई मैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपना नाम कमाया है उस पर कहीं दाग आए या कोई उंगली उठाए, ये ऐसा काम तो मैं कभी नहीं करूँ। इस बार 75 पार, तो आपको लगता है 75 पार हो पाएंगे सरकार के कामों को देखते हुए? सर्वेश जी, ये जो भव्य रथ यात्रा, जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, इसमें जो देखने में आ रहा है बहुत ही शानदार उनको सहयोग मिल रहा है, उनको आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत भव्य तरीके से यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। और जो माननीय मनोहर लाल जी है, इनकी नीतियों पे और इनकी नियत पे किसी को भी कोई शक नहीं है। तो विकास कार्यों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, सबका साथ सबका विकास। और मुझे लगता है कि विपक्ष नाम की तो कोई शायद ही चीज़ रहे ना, इन्होंने जो नारा दिया है फिर एक बार मनोहर सरकार अब की बार 75 पार, तो 75 पार तो है ही है, मुझे लगता है कि 85 पार ना हो। विपक्ष की भी आप बात कर रहे थे, तो अमित शाह तो पहले ही कहते थे कि भी कांग्रेस को हमको बिल्कुल मिटा देना है, और वो इस तरफ बढ़ते भी जा रहे हैं। और अमित शाह और मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी जो इस वक्त काम कर रही है देश में, उनके अलावा लोगों के पास कोई और नाम होता ही नहीं है। चर्चा होती है तो इन्हीं की चर्चा होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अब देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की जो जोड़ी है, उन्होंने जो अभी रिसेंटली करके दिखाया है, जो धारा 370 और धारा 35 से जो कश्मीर से हटाई है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब जाके कहीं पूर्ण रूप से आज़ादी मिली है, पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है देश। ये जो बिल्कुल जो धाराएं थी, जो टेम्प्ररी सी लगाई गई थी उस वक्त, जिसने भी लगाई थी पूर्व की सरकारों ने, और उन्होंने अपना उसको हटाने का काम नहीं किया, तो ये तो बहुत पहले हट जानी चाहिए थी। अब एक देश में दो संविधान और दो झंडे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो इस चीज़ का उनको भरपूर लाभ मिला है, और जो उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है उसका पूरा भारतवर्ष कायल हो चुका है, और अब जो नाम है बस वो नरेंद्र मोदी जी का ही नाम है। ये थे डॉक्टर संजय जौहर, और इनका ये कहना है कि पार्टी यानी कि बीजेपी अगर उनके नाम पे कंसीडर करती है और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से इन्हें टिकट दी जाती है, तो निसंदेह ये काम करेंगे और जनता के बीच रहकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए भी और बीजेपी के पास भी इनसे बड़ा चेहरा, इनसे बड़ा नाम, खानदान और इनका नाम और योग्यता के हिसाब से इनकी जैसी छवि वाला कोई और दूसरा व्यक्ति तो आसपास नज़र नहीं आता है। और एक फ़ायदा बीजेपी को और हो सकता है, वो ये कि अगर इनके नाम पर विचार होता है, टिकट संजय जौहर को मिलती है, तो बिश्नोई बेल्ट में भी एक मैसेज आएगा कि उनकी उपेक्षा नहीं हुई है, सरकार और पार्टी बिश्नोई समाज को भी साथ लेकर चल रही है, जिसका फ़ायदा हरियाणा में बीजेपी को दूसरी कई सीटों पर भी मिल सकता है। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि हर अपडेट, हर खबर, हर समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।